Hey, what is up, guys? This is Prashant. Welcome back to this channel, Prashant Creation. तो guys, तुम लोग फोटो एडिटिंग करने के बाद सोचते हो कि अपनी फोटो में कोई ऐसी कलर ग्रेडिंग करें जिससे कि फोटो आपकी रियलिस्टिक लगे, साथ ही साथ आपकी दिखने में अच्छी लगे। तो गाइज, आप अगर अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग फाइंड नहीं कर पाते तो इस वीडियो में, अगर आप पूरी देखोगे इस वीडियो को, तो इजीली तरीके से सीख जाओगे कि कैसी कलर ग्रेडिंग हमको अपनी फोटो में करनी है जिससे हमारी फोटो दिखने में काफी अच्छी लगे। गाइज, ये आपको मैं फोटोशॉप पर बताने वाला हूँ गाइज, ठीक है। एंड इसको आप लाइट रूम में भी कर सकते हैं, सेम ट्रिक है लाइट रूम के लिए ये भी गाइज, बिकॉज फोटोशॉप का कैमरा रहा एंड लाइट रूम सेम ही होती है गाइज, ठीक है। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो जरूर से बाद में लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी तो, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड गाइज साइड से यूजर नेम मिल जाएगा। तो जल्दी से चलते अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पर। ओके गाइज, तो गाइज अब आपका फोटोशॉप सीसी ओपन हो चुका है। तो गाइज, आपको अब जिस भी इमेज की कलर ग्रेडिंग करनी है उसको सिंपली से आप लोग देख के आएंगे, ठीक है। जस्ट मैं तो अपनी ये वाली इमेज लेके आता हूँ, डन वाली जो मैंने एडिट कर रखा है पहले से गाइज, ठीक है। तो गाइज, ये पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी है, अगर आप लोगों ने चेक नहीं करे तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर साइट से यूजर नेम वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ईजिली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अब आपको कलर ग्रेडिंग किस टाइप से करनी होती है फोटो में, सबसे पहले ये जान लो। तो गाइज, फोटो में सबसे पहले आपको फोटो का फील पता करना पड़ता है कि फोटो आखिर क्या एक्सप्लेन कर रही है। लाइक जब मेरी फोटो है गाइज, इसमें थोड़ा विंटर सी टोन आ रही है, मतलब थोड़ा ब्लूइश टोन आ रही है, जिससे गाइज फोटो देखने में आपकी अच्छी लग रही है। एंड गाइज, ब्लूइश टोन आ रही है तो उसी टाइप से मैंने भी इसको थोड़ा अपनी बॉडी को ब्लूइश में किया है, जिससे गाइज ये एडिटिंग देखने में अच्छी लग रही है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आप इसमें कलर टोन डालने के लिए सबसे पहले कैसे चेक करेंगे कि आपको कैसी कलर टोन इसमें डालनी है, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइज स्प्लिट टोनिंग, इस पर जाओगे ना तो गाइज यहाँ पे आते हैं हाइलाइट्स एंड शेडोज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सैचुरेशन को यहाँ से कर लेना है, आपको इसका अमाउंट रख देना 7। एंड गाइज, अब आपको हाइलाइट्स चेक करना है हर जगह, देखिए ले जाके कि आपको किस जगह हाइलाइट्स आपके अच्छे लगेंगे। वैसे इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ मैं इतना। एंड अब देखिए, आप इसके हाइलाइट्स किस जगह आपको इसके हाइलाइट अच्छे लग रहे हैं। देखिए, अगर हमारी पिक में अगर थोड़ा सा ब्लूइश टोन है तो गाइज आपका पिक है, देखिए इस वार्म लुक में भी काफ़ी वार्म लगेगा देखने में, आप लोग खुद सोच सकते हैं। एंड देखिए, इस टोन में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप इसको थोड़ा पर्पल से टोन में ले जाएंगे तब भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। बट गाइज, आपको चूज करना है सबसे बेस्ट, सब तो गाइज सबसे बेस्ट लग रहा है हमारा गाइज ये वाला लुक, देख सकते हैं आप लोग खुद, ये वाली लुक में हमारी फोटो काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लग रही है देखने में। एंड गाइज, साथ ही साथ नीचे ऑप्शन आता है शेडो का, सेम इसमें भी आप ऐसे ही करिए, इसके बाद सैचुरेशन को बढ़ा लीजिए। एंड यहाँ से अब इसका यू देखिए कि किस जगह हमारी फोटो अच्छी लगेगी देखने में। तो गाइज, हमारी पोस्ट लग रही है इस जगह अच्छी देखने में, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो इस जगह हमारी पोस्ट लगी देखने में अच्छी, जिससे गाइज हमने अपनी कलर ग्रेडिंग पता कर ली कि हमें इस टोन में कलर ग्रेडिंग करनी है। तो बेसिकली कलर यहाँ से हमने चूज़ कर लिए। और यहाँ से आप इसका बैलेंस देख सकते हैं, किस बैलेंस पे आपको ये एडिटिंग अच्छी लगी। तो देखिए, थोड़ी नेगेटिव टोन में ये बैलेंस में अच्छी लग रही है आपकी एडिटिंग। तो गाइज, आप इन्हीं कलरों को आपने सेलेक्ट किया, तो गाइज अब आप यहाँ से जाके इन्हीं कलरों के साथ इनकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। जैसे हमने, हमारा कलर था ब्लू एंड एक्वा कलर, ठीक है, उनके साथ हमने चेंजेस किए तो हम यहाँ पे भी चेंजेस वही करेंगे। जैसे इसकी सैचुरेशन वगैरह बढ़ाना, सैचुरेशन कम ज़्यादा, सब लोग आप यहीं से देखें, देखिए ऐसे हमने इसकी सैचुरेशन बढ़ा दी। एंड इसका ये जो यू है थोड़ा सा इस टोन में कर सकते हैं। एंड इसका जो लुमिनस है, सब गाइज अब आप इन्हीं कलर से छेड़ेंगे जिससे गाइज आपकी एडिटिंग अच्छी लगे देखने में। एंड गाइज, सेम थोड़ा सा अपना माइंड क्रिएटिव कर सकते हैं एंड ऐसा थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह चेंज करके गाइज अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमने इसी कलर ग्रेडिंग कितनी अच्छी तरीके से कर ली है, मतलब हमारी पोस्ट कितनी अच्छी लग रही है देखने में, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा, ठीक है। हमने तो गाइज इसमें सिंपल सा कुछ नहीं किया, स्प्लिट टोन की मदद से अपनी कलर ग्रेडिंग को पहचाना एंड पता किया कि किस टाइप से हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो गाइज हमने इसमें कलर ग्रेडिंग कर ली है, साथ ही साथ हमारी पोस्ट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आप इसको इजीली शेयर कर सकते हैं कहीं भी गाइज, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए एंड अगर अभी आप भी ऐसी कलर टोन ढूंढना चाहते तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं ऐसी तरह की किसी कमाल की वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके।